आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी बस आपकी जर्रा नवाजी है। आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या है? सारा दिन आवारा गर्दे करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती होगी, तभी तो एक अरसे से बसर कर रहा हूँ। एक बात कहूँ? जी। पाप की हंसी बड़ी खनकदार है। शुक्रिया। और सिलसिलाए गुफ्तगु वहीं पे खत्म हो गया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुरा कर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जब आईया लेते हुए उसने रिसीवर उठाया। हेलो 4457। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओह आप। आदाब अर्ज भाई, आदाब अर्ज। आप गालिबन सो रहे थे। जी हाँ, यहाँ कर मेरी आदत कुछ बिगड़ सी गई है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? वही, क्योंकि वहाँ सुबह 5 बजे से पहले जो उठना पड़ता है। एक बात बताइए, कल आपने एकदम टेलीफोन क्यों बंद कर दिया था? आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने। भाई जब कोई चीज़ इतनी खूबसूरत है तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपने ऊपर कोई भी शर्त लागू नहीं होने थी। आप हंसेंगी तो तारीफ तो मैं जरूर करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से? आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो मेरी पसंद पर लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। ये पसंद मुझे बहुत अजीज है। हाँ हाँ, वहाँ पे रख दो उसको। ना ना ना, उसको बाहर से कूड़ा निकालूँ। अब माफ कीजिएगा, मैं अपनी काम वाली से कुछ कह रही थी। अच्छा, आपकी पसंद आपको बहुत अजीज है। हाँ तो ये बताइए, आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम? मेरा मतलब है आपको आता क्या है? काम मुझे कोई नहीं आता, बस फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, दोस्त से मांग कर शौक पूरा कर लेता हूँ। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है, वो खरीदूंगा जरूर। कौन सा कैमरा? रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे इसकी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, इतना काफी है। अगर आप चाहती है कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये तो और भी खूब रहा। जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आप अजीबो गरीब आदमी हैं। जी हाँ, ऐसा ही आदमी हूँ। आप फिर सोचने लगी। जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सोच नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए फिर से ही। आप बहुत रूखी आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। 4457। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ मनमोहन, इरशाद। इरशाद ये है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है। और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बस बाहर निकलने ही वाला था कि
आपका टेलीफोन आ गया। ओह, तो आप जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास वैसे भी आज पैसे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता हो नहीं पाएगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं शायद उसका आदी हो चुका हूँ। मैं कुछ रुपए भेज दूँ?